हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड शुभ प्रभात। अभी सुबह के बजे हैं 11 और दीदी अपना काम करके जल्दी जल्दी चली गई है घर और मैं बैठ गई हूँ मछली काटने के लिए। तो हस्बैंड ने ना ये मछली रखा है, मैंने ना कभी मछली काटा नहीं है, ये लाइफ में पहली बार मछली काट रही हूँ, पहले कभी काटा नहीं है, लेकिन लोगों का देख देख के ना मैं सीख गई हूँ। और कोई इजीली मतलब हार्डली कोई वर्क नहीं है, ये एकदम इजी सा है, तो मैंने काट दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैं काट रही थी ना, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो यार मैं सीख तो गई ना, बंगाली होके अगर मछली काटना नहीं सीख पाई तो क्या बंगाली होना। तो देखो फाइनली मैंने मछली भी काट दिया है, मुझे आता है, सब मछली काटना आता है, बस मैं ना काटती नहीं हूँ, मुझे चिकन तक काटना आता है, बस क्या है ना वो जिंदा चिकन नहीं काटना आता है, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो ये जो है ना, ये वाला मछली मेरे हस्बैंड को बहुत टाइम से खाना था, तो उनके एक फ्रेंड है तो वो लेके आए हैं, वो भी मछली बेचते हैं ना, तो उन्होंने ये दिया है हमें। तो ये मे बी एक पाव है, यस हाँ एक पाव के करीब है। और यहाँ पे देखो मेरे पास मिनी भी बैठी है और मिनी को मैं थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ, वो खा भी रही है। तो ये नया है ना, ये नया वाला बिल्ली है, ये सारे बिल्ली ना मेरे नहीं है बट मेरे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे 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 हो जाते हैं। मतलब जानवर मुझे बहुत पसंद है, सीरियसली इंसान से ज़्यादा जानवर बहुत मुझे पसंद आता है, मैंने हर एक वीडियो में बोला है, जब भी मतलब जानवर के बारे में बात होती है ना तो मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि इंसान से ज़्यादा मुझे जानवर पसंद है, क्योंकि जानवर में ना एक मतलब क्या बोलूँ मैं, उनके अंदर ना एक बॉन्डिंग रहता है कि वो मुझे खाने दे रहा है तो मैं उसके पास जाके रहूँ, उसके उसको देखूँ, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है कि जानवर कभी भूलते नहीं है, भले ही वो खाने के चक्कर में आए या फिर कोई भी चक्कर में आए, तो लेकिन वो लोग आते तो है, कम से कम हमें हम इंसानों को पूछते तो है। एक यही इकलौता जीव है जो इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, लेकिन इंसान नहीं पूछते हैं इनको। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों नहीं यार, कि क्यों करते हो इनके साथ इतनी जाप्ती, क्या खाते हैं, थोड़ा सा मतलब बचा खुचाई तो खाते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ खाते नहीं है, उससे ज़्यादा तो ये लोग बोलते भी नहीं कि हमारे ऊपर पैसा खर्चा करो। तो देखो मेरे हस्बैंड ने ना एंगल चेंज कर दिया है और यहाँ से अच्छी तरीके से प्रॉपरली दिख रहा है। मेरे माधव को आ गई है नींद, तो वो बोले तुम काट दो, मैं तब तक सुला देता हूँ, बट वो सो नहीं रहा है बिल्कुल भी, शैतानी कर रहा है। फाइनली देखो मैंने ये मछली काट दिया है और बास्केट में सिर्फ एक ही मछली बचा है, उसको भी काट दूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि ना एक मछली दो मछली काट के साफ़ करके रखूँगी, मतलब अभी हस्बैंड को पका के खिलाऊँगी, लेकिन जब एक बार मैंने पकड़ ही लिया तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, काट ही देती हूँ, फिर बाद में कौन हाथ लगाए, अभी करके अभी मतलब मछली वछली काट के फ्राई करके रख देती हूँ, बाद में हस्बैंड को उसी से सब्जी बना के खिला दूँगी। तो माधव देखो नहा लिया है और यहाँ पे धूप सेक रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे गाड़ी भी खेल रहा है गाड़ी से। मैंने भी नहा लिया, नहा के थोड़ा सा पीछे टहलने के लिए आया हूँ और अच्छा खासा धूप है ना आज, तो धूप में खड़े होकर अच्छा लग रहा है। आ दिया सुस करा दिया, कर रहे फ्राई में। पहली बार मैंने मछली काटा और काट के पका रही हूँ, कितनी गृहिणी हो चुकी हूँ मैं। तो तुम तो बोलते थे कि मायके में काटती थी, नहीं काटा मैंने कभी, देखा झूठी वाणी बोलती थी। तो यहाँ पे बन रहा आलू के चिप्स, ज्यादा बॉयल हो गया, धीमी आंच में रखना चाहिए था ना। क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। खा
खाना वाना खाया ना अभी, सोने का मन कर रहा है। तुम्हारा काम धंधा है नहीं है? अगर कल धूप नहीं उठा कल परसों बेकार हो जाएगा फिर। इसलिए मेरे को ठंड में बनाने का मन करता है। फिर वो कैसे आ जाता है ना, काई काई टाइप का पड़ जाता है, फम फुट पड़ जाता है। आलू के चिप्स ना यहाँ दे रखा है क्योंकि हम पहले सोच रहे थे कि यहाँ रखेंगे तो बंदर का डर रहता है ना, तो यहाँ पे रखा तो पता नहीं चलेगा उनको ज़्यादा। बढ़िया है बंदर से छुपाने वाले। हर लेकिन अगर वहाँ, अगर वहाँ से देखते यहाँ पे चलते रहते हैं ना बंदर। मिनी देखो मछली का मैक आ गया इसके नाक पे। वैसे भी लंच टाइम पे रेयर हो जाती है मछली की महक आ गया उसके। तो अभी इवनिंग के बजे है 5। क्या हुआ? दिया नहीं माधव को, दिया नहीं, दो माधव को दो ना। हो जाएगा छोटा करके दो। दिया देखो, इतना सारा चीज देख के ना माता सोचता है मुझे भी मिलेगा। अभी हमारा स्नैक टाइम है। यह है मुरमुरा और यह है नमकीन। और ये कौन सा चीज़ है? माधव का है बाइट्स। मम 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 तो मैं आज 2 दिन से ना सो रही हूँ, सोने नहीं दिया जा रहा है, जाप्ती हो रहा है मेरे साथ, अन्याय हो रहा है। हाँ, इसके चक्कर में, इसके चक्कर में, इसके चक्कर में अन्याय हो रहा है इनके साथ, और मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है ना। पता है कितने देर टहला है इसको बाहर? अब ना पूरा 1.5 घंटे से रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको बाहर जाना है और मेरे को बाहर लेके नहीं जाना है उसको। इधर मैं उसको सुलाऊं ना क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। इधर खाना भी बनाना पड़ेगा, इधर कपड़े भी धो रही हूँ मैं, दिमाग नहीं चल रहा है। ऊपर से जब ये लड़का रोता है ना, अरे अधिकतर देखा है मैंने, ये मैंने टेंशन में बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है टेंशन के टाइम, गुस्सा आ जाता है पूरा। खासकर इसके पापा ज़्यादातर अधिकतर मचल जाते हैं उस टाइम, दिमाग चलता नहीं है। तो देखो अभी आ गई हूँ मैं बिस्तर ठीक करने के लिए। एक तो ठीक था लेकिन फिर से इन दोनों बाप बेटों ने ना ख़राब कर दिया। देखो अभी फिर से मैं ठीक कर रही हूँ, अभी एक साथ हम सो ही जाएंगे यार, क्योंकि ना कपड़े धोते वक्त ना मेरी मतलब कमर में बहुत पेन हो रहा है। अभी थोड़ा बहुत मैंने धोया, थोड़ा बहुत उन्होंने धोया, तो अभी पेन हो रहा है, तो मैं सीधे सो जाऊंगी। मैं बोलूंगी मेरे को खाना नहीं खाना आज, लेकिन हाँ एक दो निवाला पेट में जाना ही चाहिए। रात को मैं बिना खाए सोती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि एक निवाला तो खा के सोना ही, मतलब बहुत लोगों का बोलना है ना कि पेट में ना हाथी गिरता है, बहुत लोग बोलते हैं। तो मेरी नानी बोलती है कि पेट में ना हाथी गिरता है अगर खाना ना खाओ रात को, मतलब पेट में दुखता है, मतलब भूख लग जाती है आधी रात को। तो मैं ना एक आध निवाला खा के ही सो जाऊंगी, क्योंकि ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही है। तो चलो अभी गुड नाइट एंड बाय बाय।